हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ड्यूअर क्लासेस। आज हम आपके सामने जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम के जो बेस्ट बुक्स होती हैं उसका डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो मैं हूं देव। हमने ये वीडियो एक्चुअली काफी सर्वे करके बहुत बेटर तरीके से काफी लोगों से पूछकर जो एग्जाम की इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो क्वालिफाई हो चुके हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह को देखकर हमने ये वीडियो बनाई है। तो आपके लिए जो बुक्स इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के मद्देनजर होती हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एनसीईआरटी आप जानते हैं कि हर एस्पिरेंट के बीच में वो कहीं ना कहीं ऑलवेज डिस्कशन का पार्ट रहती है कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो हम साथ ही साथ एनसीईआरटी के कुछ जो चैप्टर जो मेनली पढ़ने चाहिए, आपको पूरे एनसीईआरटी नहीं पढ़ने हैं, आपको जो जो चैप्टर एनसीईआरटी के तहत पढ़ने होते हैं वो चैप्टर भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही साथ उस टॉपिक के उस सब्जेक्ट से, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इनके लिए कौन कौन सी बुकें आपके इस एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो के तहत एक और नई मुहिम टाइप का निकाला गया है कि हमने पूरी तरीके से सर्वे किया सारी चीजें, हमने ये तक निकाला कि उसके जो हर एग्जाम के, या जैसे हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो हिस्ट्री के जो उपखंड हैं उनमें से किस किस खंड से मेनली कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम फोकस करना चाहिए, आप उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन की लिस्ट को देखकर समझ सकते हैं। तो यही सारी चीजें इस टोटल वीडियो के तहत हमने डालने की कोशिश की और एक कंपाइलेशन करने की कोशिश की कि आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम से पहले कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक के तहत कौन से सब टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यही सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं पीटी इस एग्जाम का सबसे बड़ा रोड़ा होता है। उसको क्वालिफाई करने के लिए लोग बहुत सारी रणनीतियां बनाते हैं, हर चीजें सोचते हैं, बहुत सारी किताबें खरीदते हैं, बहुत सारे लोगों से डिस्कस करते हैं, बट फिर भी आखिरकार उनमें कंफ्यूजन ही रहता है। तो शायद मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी, आपका कंफ्यूजन काफी परसेंट तक दूर होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम बुक इतिहास की बुक, जिसके तहत आपको पता है कि इतिहास में एग्जैक्टली एंशियंट हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मिडेवल, मध्यकालीन इतिहास और साथ ही साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बुक्स, यानी कल्चर से रिलेटेड टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। ये जो चार की चार ये बातें लिखी हुई है, इसमें से आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी एक बुक आप फॉलो करें। आपको सारी बुकें फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, हर बुक में कहीं ना कहीं मैक्सिमम सेम डेटा है, बट आपको चूज करना है कि मैं जितनी बुकें बताऊंगा उसमें मैं बताता चलूंगा कि ये ऑप्शनल है उसके साथ साथ। तो आप उनमें से आपको लैंग्वेज जो अच्छी लगे आप वो बुक चूज करें और उसे पढ़ें। तो साथ ही साथ जैसे इसमें मैंने बुक्स बता रखी हैं जो कि हर स्टूडेंट के द्वारा पढ़ी जाती है और मैक्सिमम डिस्कशन का पार्ट रहती है, जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो इन्हीं बुकों को पढ़ के क्वालिफाई होते हैं। तो जैसे आधुनिक भारत का बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत की बुक आती है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम की जो पब्लिकेशन की बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास भाई राजीव अहरी के द्वारा, और साथ ही साथ क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये तो एनसीईआरटी पढ़नी ही है, साथ ही साथ आप इन तीनों में से कोई एक बुक, बिपिन चंद्रा की एक बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो आप जानते हैं जो पर्टिकुलर यूपीएससी के लिए जो जगह फेमस है, मैं एग्जैक्टली वहां पर से पर्टिकुलर एक सर्वे करके आपसे बातें इस चीज को कर रहा हूं, जहां पे बेटर कोचिंग्स हैं, जैसे बात की जाए दिल्ली में, तो ये हम लोग वहां से सर्वे करके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के द्वारा बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ी जाती है, साथ ही साथ कुछ बंदे स्टूडेंट को भी फॉलो करते हैं। बट इसके साथ साथ आपके पास यदि एसके पांडे से रिलेटेड कोई बुक हो या आपके पास स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कोई बुक पुरानी, इसमें नई कुछ भी मैटर नहीं करता, आप इनमें से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में क्या है। तो मध्यकालीन भारत भाई सतीश चंद्रा के द्वारा और क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी जो है वो मध्यकालीन भारत के लिए आपके लिए बेनिफिशियल बेनिफिट साबित हो सकती है। साथ ही साथ जो प्राचीन भारत की इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन भारत राम शरण शर्मा और एनसीईआरटी इलेवेंथ की बुक, एंड आर्ट एंड कल्चर के तहत सिर्फ आपको एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की पढ़नी है, उसके अलावा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के तहत आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो फिर करंट अफेयर आपसे पूछता है, ना कि ये पूछेगा
कि आर्ट एंड कल्चर का फंडामेंटल, जैसे आपको पता होना चाहिए कि मंदिर स्थापत्य कला क्या है, या आपके पास द्राविड़ शैली या बेसर शैली, इस तरीके की शैलियां अगर आपके सामने आ रही तो आपको पता होना चाहिए कि ये शैली वाकई है क्या। उसके बाद तो आपसे सिर्फ पूछेगा करंट अफेयर से रिलेटेड या चीजें पूछ लेगा, या जो भारत के आर्ट एंड कल्चर या मैपिंग की कोई बुक आपके पास अगर आर्ट एंड कल्चर की हो तो मच बेटर है, नहीं तो आप ऑक्सफोर्ड की जो मैपिंग की बुक आती है आप आर्ट एंड कल्चर वहां से देख सकते हैं, और साथ ही साथ या तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा इधर उधर टहलने की जरूरत नहीं है, बस आपको एनसीईआरटी से अपना फंडामेंटल आपको क्लियर कर लेना है, और करंट में जो जो चीजें आ रही हो, जितने भी तरीके के नृत्य हो रहे हैं, या विश्व भारत में कितने नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की बात हुई, ये सारी चीजें आपको जनरली पता होनी चाहिए। उसके अलावा करंट में जो बातें हो रही हो, और इसके अलावा आपको कुछ भी चीजें नहीं देखनी पड़ती हैं इसमें, तो देख लेते हैं। इसके बाद हम आपको एक टेबल दिखा देते हैं जिसके तहत आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आपको पर्टिकुलर किस खंड में ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। तो आप यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है, तो आप देख सकते हैं मैंने टोटल 6 वर्षों के पीछे के पीटी में जितने पिछले 6 वर्षों में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने 2017 का इसमें नहीं डाला है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजंस। 2016 से लेकर 2011 तक के हमने यहाँ पे 6 वर्षों के पूरे क्वेश्चन जो आए हुए हैं करंटली एग्जाम में, वो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा सर्वे करके एग्जैक्ट बेटर तरीके से आपको डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं 2011 से 2016 तक की लिस्ट पूरी कंप्लीटेड है। तो 2011 में 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आए हुए थे, 1 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, 2 क्वेश्चन भारत एंशियंट हिस्ट्री से, और 0 क्वेश्चन यानी कोई भी क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से नहीं आया। तो जनरली मध्यकालीन भारत से नहीं आते हैं क्वेश्चन, बट 2016 में कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज किया, मध्यकालीन भारत की ओर भी इनका रुझान बढ़ा। तो आप ये टेबल देख सकते हैं, वही 2012 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। तो मैं एवरेज क्वेश्चन बता देता हूं आपसे कि टोटली देखा जाए तो हिस्ट्री से टोटल अप्रॉक्स 16 से 20 क्वेश्चन के बीच में ही क्वेश्चन आते हैं, जनरली एवरेज इसका 17 के आसपास होता है। तो ये हमने टेबल बना रखी है, आप इसे पॉज करके एक अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मेरी बात माने तो जनरली क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके पश्चात आर्ट एंड कल्चर से। तो आपका ये दो टॉपिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर ज्यादातर फोकस करता है करंट अफेयर पे, कोई अगर चीज ऐसी चल रही हो बहुत ज्यादा ही डिबेट में रही हो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, तो वहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। साथ ही साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन काफी परसेंट पूछते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन मेनली माना जाता है कि 8 क्वेश्चन के अप्रॉक्स इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देख सकते हैं नीचे एवरेज भी हमने बना रखा है, तो 8 क्वेश्चन एवरेजली मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, 3 क्वेश्चन के आसपास इससे, और 1 क्वेश्चन मतलब मध्यकालीन भारत सिर्फ 2015 और 2016 में थोड़ा सा इनका रुझान इधर बढ़ा, फिर 2017 में इन्होंने एक दो क्वेश्चन पूछे बट इतना बेटर तरीके से नहीं पूछा। आगे देख लेते हैं, ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। हालांकि ज्योग्राफी की बुक्स को लेकर बहुत सारा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बहुत ही कंस्टेंटली जो एक होता है कि यही आपको इसी चैप्टर पे पर्टिकुलर मैक्सिमम फोकस करना है, तो वो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के हम यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। साथ ही साथ लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके कौन सी बुक आपके हाथ में होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो पहले देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के आपके पर्टिकुलर कौन सी एनसीईआरटी आपको इस पे फोकस करना है उस चैप्टर के लिए, और साथ ही साथ कौन से अध्याय कौन से चैप्टर उस क्लास के एनसीईआरटी से आपको पढ़ने हैं। तो भौतिक स्थिति, अपवाह तंत्र, वन मृदा तथा जलवायु के लिए आपको क्लास 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि नदियों से, अपवाह तंत्र से या पर्वत पठार से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वही एग्रीकल्चर से ऑलवेज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि भारत, आपको पता है कि भारत हमारा कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है, तो वहां से क्वेश्चन आने ही की संभावना मैक्सिमम रहते हैं। हालांकि अगर आप करंट अफेयर से टच में हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में चेंजेस हो रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल जानने के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर 5th पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्लास 12th की परिवहन और उद्योग के लिए आपको क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसका 7th, 8th और 10th चैप्टर आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आगे देख लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व या वेट लैंड जिसे बोला जाता है, आर्द्र भूमि, राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ इन सब चीजों के लिए आपको जीव विज्ञान 12th की जो बुक आती है आपको पता होगा, तो उसकी एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर, जो लास्ट के 4 चैप्टर है, उसको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। साथ ही साथ ब्रह्मांड, उत्पत्ति, पृथ्वी की गतियों से संबंधित तथ्य क्लास 6 की एनसीईआरटी टोटली,
आपने क्लास सिक्स की एनसीईआरटी देख रखी होगी। हमारे चैनल में भी क्लास सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक की पूरी ज्योग्राफी आपको आपके लिए पढ़ाई जा रही है। आप वहां पे आकर हमें सब्सक्राइब करके आप हमारी सारी वीडियो लगातार देख भी सकते हैं, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की संरचना और भूकंप और ज्वालामुखी के लिए क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी, साथ ही साथ कृषि के प्रकार टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर फिफ्थ, ये पहले ही हमने बता दिया है, हालांकि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेम टू सेम लिख गया है। प्रादेशिक भूगोल क्लास सिक्स से क्लास एट्थ एनसीईआरटी ओल्ड, एंड बुक्स का जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी को बताने के बाद मैं बताऊंगा कि बुक्स आपके लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप मार्केट में जाएं या फिर हमारे खुद के चैनल पे बुक रिव्यू की जाती हैं। हर बुक के चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उसकी राइटिंग स्किल कैसी है, आप हमारे ही चैनल पर सारी बुक का रिव्यू देख सकते हैं। तो आप इन छयों में से विश्व का भूगोल के लिए बुक चूज कर लें और भारत के भूगोल के लिए पर्टिकुलर कोई भी बुक चूज कर लें। हमारी तरफ से अगर अगर हम जनरली बात करें उन एरियाज की जहां पे जनरली कौन सी बुक मैक्सिमम पढ़ी जाती है, तो माजिद हुसैन वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर भारत और विश्व के भूगोल के लिए। साथ ही साथ अगर सिर्फ, क्योंकि भारत के भूगोल से बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो भारत के भूगोल के लिए महेश बर्नवाल एंड पेरियार इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप इसकी लैंग्वेज भी देख सकते हैं, आप इसकी राइटिंग स्किल, इनकी पिक्चर्स, क्योंकि ज्यादातर मैपिंग से क्वेश्चन समझना और उन्हें लंबे समय तक याद कर पाना बहुत ही आसान होता है। तो आप देख सकते हैं भारत और विश्व भूगोल के लिए माजिद हुसैन, खुल्लर, महेश बर्नवाल, साथ ही साथ पेरियार, महेश बर्नवाल और आरसी तिवारी। आप इनमें से कोई, इन छह बुक में से कोई दो बुक आप चूज कर लें, एक भारत के भूगोल के लिए और एक विश्व के भूगोल के लिए। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के ऊपर जितने चैप्टर आपको बताए गए हैं, 7 से 8 चैप्टर, आप टोटल उन चैप्टरों पे ज्यादा अच्छे से फोकस करें, अपना फंडामेंटल बेटर करें, डेफिनेटली आपको पीटी में बहुत हेल्प मिलेगी इन बुक लिस्ट से। आगे बात कर लेते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, चाहे विश्व का भूगोल हो या भारत के भूगोल की बात की जाए। तो औसतन क्वेश्चन विश्व के भूगोल से 8 क्वेश्चन और मैं भारत के भूगोल से, आपको पता है कि भारत के भूगोल से हर साल क्वेश्चन बेटर से बेटर आते ही रहते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से 3 सालों से हालांकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो लोगों का रुझान थोड़ा कम हो रहा है। बट कभी भी यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज करके अचानक ज्योग्राफी से 17 से 18 क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली तो इसका एवरेज माना ही जाता है कि 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में ही पूछा जाएगा, 15 से 20 क्वेश्चन, बट पिछले 2 सालों से 3 सालों से इसका थोड़ा सा ट्रेंड कम हो रहा है। 2016 में जैसे कि इसके टोटल 3 ही क्वेश्चन केवल पूछे गए, 2017 में भी केवल 5-6 क्वेश्चन केवल पूछे गए। तो संभावनाएं हैं कि ये फिर से अपना ट्रेंड कभी भी चेंज कर सकता है, तो इसका ये मीन नहीं होता कि हम पढ़ना ही बंद कर दें उसके बारे में, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एवरेज क्वेश्चन की देख लेते हैं, विश्व का भूगोल के 8 अप्रॉक्स के आसपास, और ये आप ईयर वाइज देख सकते हैं पॉज करके। आगे हम बात कर लेते हैं भारतीय राजव्यवस्था के बारे में। भारतीय राजव्यवस्था की जनरली आपको वन एंड ओनली एक बुक फॉलो करनी है, उसके अलावा आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं। एम लक्ष्मीकांत इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसके अलावा आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी बुक, ये जैसे कि सुभाष कश्यप की बुक का नाम बहुत आप सुने रहते हैं, डीडी बसु की बात बहुत ज्यादा लोगों के स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन रहती है। बट अगर आप रियल स्टूडेंट की बात करें या किसी भी टॉपरों की भी बात करें, तो टॉपर भी हमेशा लक्ष्मीकांत का ही सजेशन देते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, आप उसको बेटर तरीके से करें, आप पीटी और मेंस में जरूर आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। बट साथ ही साथ हमारी सुभाष कश्यप की जो बुक है हमारी संसद और भारत का संविधान डीडी बसु, आप हमारे चैनल पे जाकर इन बुक के सब टॉपिक, चैप्टर, साथ ही साथ राइटिंग स्किल कैसी है इसकी, सारा का सारा हमारे चैनल के तहत बुक रिव्यू दिया गया, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं और खुद ही चूज कर सकते हैं कि आपको ये बुक लेनी है कि नहीं लेनी। बट हमारी टीम का सजेशन तो यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक पे फोकस करें, वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि ऑलवेज भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपका इसमें पकड़ आसानी से बन भी सकती है, तो आप इस पे जरूर फोकस करें। मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूं, हमने इसके सब टॉपिक के साथ साथ पूरा का पूरा एवरेज भी बना रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टूडेंट के बीच में ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक पे कम फोकस करें, तो वो चीजें हमने यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए बनाने की कोशिश की है, शायद आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो जो एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका और संसद से मेनली इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 3, 9, 8, यानी अप्रोक्स इनसे क्वेश्चन आने, यानी आपका विधायिका और कार्यपालिका दो जो चैप्टर होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये कंप्लीट होने ही चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तब आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका न्यायपालिका से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन
करंट अफेयर में जो कुछ एक्ट में चेंजेस होते हैं उससे थोड़ा बहुत पूछ लेता है। आप देख सकते हैं कि एवरेजली इसमें 10 से लेके 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। इस साल तो बहुत ही 2017 में क्वेश्चन आए, प्रॉक्स 25 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी से पूछे गए। तो उसके आपकी फंडा बहुत अच्छे क्लियर होनी चाहिए। आप अगर पॉलिटी आपकी अच्छी तो आप बेटर स्कोर कर सकेंगे। कभी कभार इनका ट्रेंड चेंज हो जाता है तो यूपीएससी का कुछ वो मूड नहीं है कि वो किससे कितने क्वेश्चन ज्यादा दे दे, कितने क्वेश्चन कम दे दे। हम लास्ट में आपको ये भी दिखा देंगे कि किस चैप्टर आप यहाँ पे हमने सब टॉपिक दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम ये दिखा देंगे कि आपको कहाँ से ज्यादा आपको फोकस करना है। तो आगे देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी वही 11 ट्वेल्थ की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है पूरी की पूरी, यहां से आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। और इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक खरीद लें, हालांकि ये दोनों ही बुक इतनी लेंदी हैं कि आपको आप बस खरीदेंगे और ये बुक वैसी की वैसी रह जाएंगी। बट जो स्टूडेंट काफी बेटर तरीके से मतलब एक पढ़ने में काफी वो सक्षम है कि हाँ वो पढ़ सकते हैं, तो आप ये इन दोनों में से कोई भी बुक ले लें। रमेश सिंह काफी बेस्ट बुक है, हालांकि आपको 11 ट्वेल्थ की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पढ़ने के बाद आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपको करंट अफेयर मजबूत करना चाहिए। इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपका अगर अच्छा है तो आपकी इकोनॉमिक्स के काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपको पता है कि यूपीएससी का इकोनॉमिक्स की तरफ काफी रुझान रहता है, ऑलवेज चेंजेस कुछ ना कुछ हो रहे होते हैं, तो आपको वो चेंजेस पता होना चाहिए। फंडामेंटल के तहत आपका आप इनमें से कोई भी बुक फॉलो कर लें, आपका फंडामेंटल जैसे रेपो रेट, रिवर रेपो रेट, बैंकिंग सेक्टर के बारे में और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मुद्रा स्फीति से क्या होता है, 5 ईयर प्लान क्या चीजें, ये सारी चीजें फंडामेंटल आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी में कोई ऐसी चीजें नहीं करनी है। आपको करंट अफेयर ज्यादा अच्छे से पता हो तो आप एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में बेटर स्कोर कर पाएंगे, तो यही मेरा सुझाव रहेगा। साथ ही साथ हम दिखा देते हैं कि क्या रियली क्वेश्चन किस तरीके से कितने क्वेश्चन आते हैं। एवरेजली अगर देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन तो हर साल आने, कभी कभी तो 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज क्वेश्चन इसके 15, 2016 में 15 क्वेश्चन आए, 2015 में 16 क्वेश्चन आए, 11 क्वेश्चन 18 22 क्वेश्चन 2011 में आए हुए थे। टोटल एवरेज देखा जाए तो 16 से 20 क्वेश्चन के बीच में इससे आने ही रहते हैं। ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट संबंधी जो इश्यूज होते हैं, जो हमारे पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, उनसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर अच्छा ही होना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो जैसे जो भी चेंजेस बैंकिंग सेक्टर में होता है कि रेपो रेट क्यों बदल रहा है, या एमसीएलआर लास्ट टाइम जैसे 2016 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो करंट अफेयर में जो चेंजेस लाए जा रहे हैं, आरबीआई के द्वारा जो चेंजेस जैसे जीएसटी से वगैरह, ये सारी चीजें तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना से इतना बेटर नहीं पूछता है ज्यादा क्वेश्चन, बट एवरेजली एक दो क्वेश्चन पूछ ही रहा होता है, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एवरेजली कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इस चीज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन रहता है, बट यहाँ से क्वेश्चन भूगोल से भी कई ज्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आते ही आते हैं। तो आपको इसकी कोई पर्टिकुलर मार्केट में ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक मौजूद नहीं है, हालांकि दृष्टि द विजन के द्वारा एक इकोनॉमिक्स की हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही बेटर बुक बनाई गई है इन्वायरमेंट की, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा क्विक बुक्स भी निकाली जाती है इसकी, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बट कोई अगर एग्जैक्ट अगर बुक की बात की जाए कि नहीं बहुत स्टैंडर्ड बुक किसी कोई बुक हो, तो वो हमें सजेशन देने में भी थोड़ा सा ये नहीं सही लग रहा, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट नहीं है उस बुक के तहत। तो इस वजह से एनसीईआरटी केवल हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर आपको एनवायरमेंट के लिए पढ़ने हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल बनी हुई है, आप इस टेबल को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे जरूर फॉलो करें, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। और साथ ही साथ हम ये बता देना चाहते हैं कि एनवायरमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें भी करंट अफेयर से ही आते हैं, जैसे कि आजकल ट्रेंड करंट अफेयर की तरफ बहुत बढ़ रहा है, तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। और एनवायरमेंट से क्वेश्चन ज्यादा अधिक आने के ये भी रहते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम पीटी में दोनों लोग कॉमन होते हैं, तो फॉरेस्ट सर्विसेज में एनवायरमेंट के बारे में उस स्टूडेंट को पता होने चाहिए। इस वजह से एनवायरमेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि पीटी के दौरान आईएएस यानी सिविल सर्विसेज के साथ साथ जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम होता है वो भी पीटी में वो बंदे बैठते हैं जो कि बाद में मेंस वो अलग लिखते हैं, तो दोनों का कॉमन एग्जाम होता है। इस वजह से एनवायरमेंट से उन्हें पूछना ही रहता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो आपका भी एनवायरमेंट काफी अच्छा होना चाहिए। एनसीईआरटी से आप फंडामेंटल कंप्लीट करें और करंट अफेयर को उसके साथ साथ सारी चीजें पढ़ते हुए चलें, डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो साथ ही साथ दिखा देता हूं मैं, सामान्य विज्ञान के तहत आपको
क्या जनरली क्वेश्चन मतलब कहाँ से आपको पढ़ना है विज्ञान को लेकर, मेनली इसमें भी करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत बहुत सारे चीजें चेंजेस आ रहे हैं। आए दिन इसरो हमारी कोई ना कोई सेटेलाइट भेज रहा है, तो ये सारी चीजें आपको अपडेट रहना है। तो आपको अपडेशन मिलेगा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार आता है उसके, आपको साइंस टेक्नोलॉजी के एक पर्टिकुलर सब चैप्टर में सब टॉपिक पे जाकर आपको देखते रहना है जो अपडेशन हो रहे होते हैं। और लूसेंट की जो जीव विज्ञान का जो खंड है, जो चैप्टर है लूसेंट के तहत, आप जीव विज्ञान अगर वहां से पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ। और एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जो भी इसके तहत आपको हमने चैप्टर बता दिए हैं कि वो इन्वायरमेंट में पढ़ने हैं, तो आप वो इन्वायरमेंट पढ़िएगा। उसके अलावा आपको जो चैप्टर आपकी विज्ञान से रिलेटेड 6 से 10 तक है आप उन्हें देख लें और वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो इतना ही, साथ ही साथ लास्ट में हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि रियली इतिहास, भूगोल और इनसे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री से टोटल अप्रोक्स क्वेश्चन 17 के आसपास, भारतीय संविधान से एवरेजली आप देख लें, लेकिन ईयर वाइज भी हमने यहाँ पे डाल रखा हुआ है, आप ईयर वाइज भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी टेबल हमारी टीम के द्वारा पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया है, यू कैन सी हियर पूरे पूरे। तो जनरली आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं, उसके पश्चात विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, हालांकि 2 साल से नहीं आ रहे हैं तो लड़कों का रुझान इधर कम हो रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला पॉलिटी से क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं, एंड इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन यू कैन सी हियर। तो अगर जियोग्राफी और इन्वायरमेंट को अगर कवरअप कर दिया जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन इसी से आते हैं। और अगर एक चैप्टर, एक कोई और सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे हिस्ट्री आपकी कंप्लीट है और इन्वायरमेंट भूगोल कंप्लीट है, तो डेफिनेटली आपको पीटी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इनमें से 3 चीजें आप चूज कर लें, पॉलिटी एंड साथ ही साथ जियोग्राफी या हिस्ट्री, कोई 3 चैप्टर आप चूज कर लें, 3 टॉपिक चूज कर लें, आप डेफिनेटली पीटी में क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सब में पकड़ बहुत बेटर तरीके से बना ली तो फिर आपका ये है कि 100% चांसेस हो जाते हैं कि आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमारी रणनीति यही है कि आप बेटर तरीके से सारी चीजें अच्छे तरीके से, कंफ्यूजन दिमाग में ना रखते हुए बेटर तरीके से आप प्रिपरेशन करें। इसी वजह से हमने बुक का जो यहाँ पे सारी चीजें वो लेकर आए हुए हैं। तो अगर आपको और भी किसी एग्जाम से रिलेटेड या इसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेरीज हो या आपको कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं हमें, हम हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई जरूर करेगी। हमारी टीम वैसे कोशिश करती है कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करें। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो हम इसलिए ये टोटल टोटल जो काफी सारे स्टूडेंट को पूरे के पूरे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है कि प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं, कितने उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो सारी चीजों को लेके बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है, हम वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। आपको बस हमारी हेल्प करने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिन भी स्टूडेंट को इस एग्जाम से रिलेटेड बुक्स को लेकर कंफ्यूजन हो, आप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।